नमस्कार दोस्तों, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोले थे कि 5 वर्षों में 2 लाख सोलर पंप, यानी ये देख रहे हैं सोलर है और आप जानते हैं कि ट्यूबवेल जो होता है सोलर से भी चल जाता है, तो 2 लाख सोलर पंप लगाने के लिए मुख्यमंत्री जी हमारे बोले थे, लेकिन अभी प्रोसेस डाटा उनका आया नहीं है कि 2 लाख लग गया या नहीं लगा। और हम दिखा रहे हैं कि हमारे एक 20 साथी हैं, वो अपने जो है कि ज़मीन में ही लगाए हैं सोलर पंप। और ये देखिए छतरी आपको दिखा दे रहे हैं, कितना सोलर पंप में छतरी का यूज किया जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 छतरी यहाँ ये लगाए हुए हैं। तो और इसकी विशेषता ये है कि अगर धूप रहेगी तो ही चलेगी, धूप नहीं रहेगी तो नहीं चलेगी। आप भी जानते हैं कि अगर धूप रहेगी तो ही लाइट ये देगी। तो चलिए जो लगाया उनसे हम मुलाकात करते हैं। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर नमस्ते सर। अच्छा, तो जैसे कि ये सर आपने लगाया सोलर पंप, तो ये कैसे मन में आ गया कि हम लगाएं? बिजली बड़ी महंगी थी इसलिए हमारे मन में आया कि हम सोलर पंप लगाएं, जो बिल भी नहीं देना पड़ेगा, काम रोज होगा, इसलिए हम सोलर पंप लगा दिए। अच्छा अच्छा, कितना टोटल खर्च आया लगाने? उस समय 56,700 कुछ रुपये था। अच्छा, और इस वक्त कितना हो गया? अभी समय तो अब बता नहीं पाएंगे, मगर वही 1-2 हज़ार बढ़ा होगा। 2 हज़ार बढ़ा होगा, नहीं तो और कम होगा। अच्छा, उस समय 30% छूट थी, 70% सरकार को कि सरकार दे रही थी, 30% किसान को देना। सरकार की तरफ से लगाने में सहयोग मिला है कि नहीं? हाँ, 70% जिसे मिला ना जी, 70% मिला सहयोग। सहयोग। अच्छा, और 30% किसान दिया, जिसे हम दिए 30%। अच्छा, तो ये हमारा सोलर पंप लग गया। और ये बताइए कि इसमें छतरियाँ 9 लगी है, इसमें और ज़्यादा भी लग सकती है? जैसे ये 3 हाथ पावर के लिए, 3 हाथ पावर के लिए आपको जैसे 9 छतरी की जरूरत होगी। मोटर 3 हाथ पावर का है, 3 हाथ पावर का है, तो इसको 9 की जरूरत पड़ेगी जी। अगर 2 हाथ पावर का लगाते हैं तो उसके लिए 6 जैसे इसका प्लेट लगता है। अच्छा। अगर 5 का लगाते हैं तो 18 लगेगा प्लेट। अच्छा, हाँ, जैसे 5 के लिए 18 प्लेट है ना। ये तो एक ही फिक्स है क्या कि इसी डायरेक्शन में ये रहेगा? नहीं, ये फिक्स नहीं है, जैसे जैसे सूरज घूमता जाएगा उस तरह से इस छतरी को हम लोग घुमा देते हैं। कैसे घुमाते हैं जरा घुमा दिखाइए? इस तरह से अब लोग हम देखिए घुमा दे रहे हैं, जब ये घूम रहा है तो टेम्परेचर इसका बढ़ेगा और ये पानी बढ़ता चला जाएगा। अच्छा अच्छा, ऐसे घुमा सकते हैं? सुबह जब 6 बजता है तो 6:30 बजे के आसपास ये चालू हो जाता है, आप 5:30 बजे तक ये बढ़िया पानी देता है। इस तरह से जिसे इस पर जब धूप लगती है, जैसे बिजली वाली देती है वैसे? हाँ, बिजली से ये जैसे पानी देती है वैसे, जैसे धूप बढ़ेगा वैसे वैसे ये पानी। इसमें लाइट भी मारने जैसे लगने यानी मारने की चांस नहीं है? नहीं, लाइन तो नहीं मारती है। अच्छा, जब तक लगाए हम लोग, कोई भी लड़का हो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सब चला सकते हैं इसको। डर नहीं लगता है कि लाइन मार रही है या अथवा हो रहा है, ये डीसी प्लांट है ना, एसी रहता तो डर रहता कोई भी। थोड़ा इसको चालू करके दिखाइए हमारे दोस्तों को। देखिए दोस्त, ये घूम रहा है और अभी सूरज जो है कि हमारे खड़ी यानी खड़ी दोपहरिया है इस समय। और आइए दिखाते हैं चालू करके कैसे चालू होता है। देखिए एसी ये है ना, हाँ, इसको देखिए हम लोग ऊपर कर दिए और ऊपर करने के बाद यहाँ पे लिखा है 50P है कि है ना, अब ये 00 हो गया, अब ये चूट देकर बोल दिया, अब इसको हम उठा दिए। अब जब उठा दिए तो ये अपना टेम्परेचर बताने लगेगा जी। और इस समय चल रहा है? हाँ, इस समय ये चल रहा है, यानी 35 से जब ऊपर टेम्परेचर इसका रहेगा तो ये पानी देना शुरू कर देगा। बढ़िया से कि मतलब कि काम चलाओ? नहीं, 35 से जब ऊपर टेम्परेचर भागेगा तो ये बढ़िया पानी देगा। 50 से ऊपर जस भागेगा टेम्परेचर तो बढ़िया देगा पानी। अच्छा। अगर 50 से नीचे रहेगा तो पानी कम देगा। तो थोड़ा आइए जरा हम लोगों को दिखाइए कितना पानी दे रहा है ये। अभी देखिए दोस्तों, ये मोटर जो है कि चालू हो गया है और ये सोलर पंप से, और देखते हैं हम लोग जाकर कि कितने पानी जो है कि वो दे रहा है इस समय फिलहाल में। और ये पूरा आपका ही खेत है? हाँ, ये हमारा ही खेत है। अच्छा, ये पानी चालू हो गया? हाँ, ये पानी चल रहा है। अच्छा अच्छा, देखिए दोस्तों चालू हो गया है और अभी धूप भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और देख सकते हैं आप, आइए जरा इधर दिखा दीजिए थोड़ा सा माता जी, थोड़ा सा ये बाल्टी हटा लीजिए। देखिए दोस्तों,
अभी घमा छाई है यानी बद्री का समय है, तभी भी ये आधा से अधिक दे रहा है, ये पानी आधा से अधिक दे रहा है। अच्छा, ये जितना धूप तेज बढ़ेगा उतना तेज ये पानी बढ़ता जाएगा, और जैसे धूप डाउन होती जाएगी वैसे वैसे ये पानी कम देगा, मगर ये है कि ये दिन भर चलता रहेगा। रात में सिर्फ नहीं चलेगा, रात को नहीं चलेगा। रात के लिए हमें 18 बैटरी लगाना पड़ेगा, एक प्लेट 335 वाट का है। अच्छा, तो उस पर एक प्लेट पे दो बैटरी डबल लगेगी, तो हमें 18 बैटरी लगाना पड़ेगा, तो 18 बैटरी का खर्चा ज़्यादा आएगा, इसलिए हम लोग सिर्फ दिन में ही चलाते हैं। हाँ, और रात बनाई गई है सोने के लिए, तो रात को सोएंगे हम लोग। दिन है तो भाई जी। तो जैसे कि अगर हमारा कोई दोस्त लेना चाहता है, इसको लगाना चाहता है, तो कितना खर्च पूरा बैठ सकता है, कैसे कहाँ से मिलेगा, तुम जरा बताइए। अगर इसको लगाना है तो आप कृषि विभाग में जाएंगे जी। ये हम गाजीपुर से हम बोल रहे हैं, कृषि विभाग बंसी बाज़ार है जी। बंसी बाज़ार जब जाएंगे तो बंसी बाज़ार में RKBK पेट्रोल पंप है। हाँ। उसी से थोड़ा सा पच्छी साइड में कृषि विभाग है, उस विभाग में जाएंगे तो वो विभाग वाले आपको एक फार्म देंगे, जब उनका आ जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा, तो इसे आता है ना मुख्यमंत्री अथवा छूट वाला जी। तो देंगे 30,000, जैसे वो आपसे आधार कार्ड लेंगे, एक फ़ोटो लेंगे, एक अपना फार्म देंगे, यहाँ से प्रधान से प्रमाणित कराना पड़ता है, और जितना उसका खर्चा रहता है जैसे 30,000-35,000, तो उसका आपको DD बनवाना पड़ेगा, और वो बनवा कर ले जाएंगे तो जो पहले आया पहले पाया वहाँ पे ये व्यवस्था है, यानी जितना जल्दी आप जमा करेंगे उतना जल्दी आप पा जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हमने दिखाया आपको सोलर पंप और लगाने का विधि भी हमने सर से जाना, और उसके बाद कितना खर्चा आएगा वो भी हमने जाना, और कितने प्लेट लगेंगे वो भी जान लिया हमने, और कितना छूट सरकार इसमें दे रही है, 70% दे रही है सूत्र छूट, है 70% था। अच्छा, हाँ। तो आप देखे हैं पानी कितना दे रहा था सोलर पंप, और तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप भी लगवाना चाहते हैं तो गाजीपुर जाइए और वहाँ पे फॉर्म भरिए कृषि विभाग में, वहाँ से अपना अगला प्रोसेस शुरू होगा। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार।